आई एम देखते हैं आज होम पढ़े थे, होम के पहले टू लगता है या नहीं लगता, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं होम के पहले टू आता है या नहीं आता है, तो हम जैसे देखते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ही वेंट होम, क्या लिखा मैंने ही वेंट होम, ये क्वेश्चन लिख दिया, और फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा ही वेंट टू हिज होम, क्या लिख दिया मैंने ही वेंट टू हिज होम। तो बच्चे यहाँ टू नहीं आया और यहाँ आया, अब दोनों सही है, ऐसा क्यों होता है? तो हम सबसे पहले होम को जाने, होम बच्चे होता क्या है, होम एक इसकी पार्ट आती है, बच्चे नाउन भी होती है, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है और एक वर्ब भी होता है, ठीक बच्चे। होम की पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है बच्चे, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है। जब होम का मतलब वर्ब होता है, इसका मतलब वापस लौटना, घर वापस आना, ठीक बच्चे। जब होम नाउन है इसका ऑब्वियसली मतलब घर होता है। फिर होम एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे होता है ये हम जान लें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा एडजेक्टिव कैसे, मैंने लिखा होम टाउन, क्या मैंने लिखा होम टाउन, होम टाउन, टाउन एक नाउन है, नाउन के नाउन को डिस्क्राइब कर व्हाट काइंड ऑफ टाउन, जो एडजेक्टिव आता है व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच, जो व्हिच का रिप्लाई है या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है बच्चे, वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है, और एडवर्ब का रिप्लाई क्या होता है व्हाई व्हेन हाउ, ठीक है, कब कहां क्यों कैसे, ठीक बच्चे। जो कब लिख देता हूं व्हाई When, और how और where, why, when, how और where का जो reply होता है बच्चे adverb होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा home town, what kind of town, कौन सा town, home town, तो home बच्चे noun को describe कर रहा है, इसलिए क्या हुआ adjective हुआ। अब पढ़ेंगे homework, क्या लिखा होता है homework, तो वर्क एक हमारा noun हुआ, नाम को डिस्क्राइब करा तो होम क्या हुआ बच्चे एडजेक्टिव हुआ। कहने का मतलब बच्चे होम की पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, होम की पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है एडजेक्टिव भी है, और होम एडजेक्टिव की तरीके से कार्य कर रहा है, बात समझ आई। होम एडवर्ब कैसे होता है, जैसे मैंने कहा ही वेंट होम, वह घर गया, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, घर गया ना, और वेयर का रिप्लाई बच्चे क्या होता है एडवर्ब होता है, वेयर का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब होता है, इसलिए यहां पे वेयर क्या बच्चे एडवर्ब है, बात समझ आई। एडजेक्टिव कैसे है बात समझ आई पक्का। फिर मैंने कहा कि वेंट होम, वह घर गया, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, घर गया ना बच्चे, वेयर का रिप्लाई जो होता है बच्चे एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब आया इसलिए प्रीपोजिशन नहीं आया। लेकिन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने कहा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, देखो मैंने लिखा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, वह बाजार गया, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, बाजार गया बच्चे, वेयर का रिप्लाई तो मार्केट भी आ रहा था, ये भी एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया ना। लेकिन बच्चे मार्केट की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है केवल नाउन होती है, क्या होती है, यानी मार्केट केवल क्या होता है नाउन होता है, ये ना तो एडजेक्टिव होता है, ना एडवर्ब होता है, ना तो वर्ब होता है, बात समझा। वैसे वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है कुछ, और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखी जाए तो मार्केट केवल क्या है नाउन है। मैंने कहा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, मार्केट, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब तो है, लेकिन ये वेंट हमारा जो वर्ब लिखा बच्चे इंट्रांसिटिव वर्ब लिखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब अगर पढ़ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब ये ऑब्जेक्ट वर्ब, वह कहां गया, वह कहां गया, बाजार गया, वेयर का रिप्लाई है, लेकिन यह व्हाट या होम का रिप्लाई तो बन नहीं सकता, व्हाट या होम का रिप्लाई, वह कहां गया, बाजार गया, लेकिन वह क्या गया, क्या बाजार उत्तर आएगा, किसे गया, क्या बाजार उत्तर आएगा, इसका मतलब ये वर्ब इंट्रांसिटिव है और इसे अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना रही है। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अगर तुम ऐसे ही वेंट केवल लिख दे रहे हो बच्चे, ही वेंट और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और तुम ये जान लो एडवर्ब है नहीं, केवल ये नाउन है, क्या है, केवल नाउन होता है, तो इसे नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चे, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों से क्या करता है, जोड़ता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों से रिलेट करता है। तो बच्चे ये तो केवल नाउन है और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद बच्चे सीधे ऑब्जेक्ट आता नहीं है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन आता है टू, क्या आता है टू, यहाँ प्रीपोजिशन क्या आ गया टू, और ये बच्चे प्रीपोजिशन इसका ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया ऑब्जेक्ट हो गया, समझ आया, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन होम एक एडवर्ब अपने आप पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होती है एडवर्ब होती है, ही वेंट होम, वह कहां गया, घर गया,
इसका वर्ब का रिप्लाई भी एडवर्ब है और नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच भी एडवर्ब है। और जब ये एडवर्ब है तुमने अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रीपोजिशन जो करता है क्या करता है नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों से सेंटेंस के अन्य शब्दों से क्या करता है जोड़ता है। लेकिन हम तो एक एडवर्ब है ना, क्या हम प्रीपोजिशन एडवर्ब को थोड़ी जोड़ता है। प्रीपोजिशन जोड़ता किसे, नाउन या प्रोनाउन को। बच्चे जब ये एडवर्ब है इसलिए इसके पहले कोई टू नहीं लगता है। बात समझ आई, मार्केट एक नाउन था और नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आता है इसलिए यहाँ पे टू लगा। और होम एक एडवर्ब है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी एडवर्ब है तो एडवर्ब को जोड़ने के लिए कभी प्रीपोजिशन नहीं आता। प्रीपोजिशन जोड़ता है केवल नाउन या प्रोनाउन। बात समझ आई बच्चे। इन फिर बात आती है यहाँ होम लिखा है यहाँ टू लिख गया, यहाँ क्या बात है, यहाँ भी होम लिखा है और यहाँ भी क्यों लग गया, यहाँ क्या बात है क्यों लग गया। तो बच्चे ये देखो ये हिज जो लिखा होता है, जैसे देख लो माई है, आवर है, हिज है, हर है और डियर है, ठीक है, इट्स है, ये जो होते हैं बच्चे इसे पजेसिव केस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। और ये डिटरमिनर होते हैं, क्या होते हैं, कि जिस प्रकार आर्टिकल ए एंड द, ए एंड द एक डिटरमिनर होता है, आर्टिकल होता है, बिना नाउन के यूज नहीं होता है, यानी ए एंड द कभी नाउन के लिए तो होता है, बिना नाउन के जैसे ए एंड द यूज नहीं होते हैं, उसी प्रकार माय, इट्स, आर, हिज, हर, डियर और जो भी हो इनके साथ बिना नाउन के ये भी यूज नहीं होते। आपको कहीं भी ऐसे माय लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा माय फादर, माय बुक, माय मोबाइल, माय फोन, जो माय वॉच, कुछ भी लिखना पड़ेगा बच्चे। यानी जितने डिटरमिनर होते हैं बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं। बच्चे समझ आ रहा, जितने भी डिटरमिनर होते हैं बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं। अब बच्चे ये डिटरमिनर हिज लिखा है, अगर हिज लिखा है इसका मतलब इसके बाद आने वाला शब्द पक्का नाउन ही होगा, इसका मतलब हिज के बाद ये जो अब की बार होम आया है इसका मतलब ये नाउन है। क्या है बच्चे, अब की बार एडवर्ब नहीं है और हिज क्योंकि डिटरमिनर है और डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं आता है, इसका मतलब अगर हिज लिखा है तो होम एक क्या है, नाउन हुआ। और जब बच्चे नाउन हो गया तो नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आता है। बात समझ आए बच्चे, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन। इसलिए यहाँ पे टू सही है और यहाँ पे केवल एडवर्ब है बच्चे और यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे। बात समझ आए बच्चे, कोई दिक्कत तो जानना होम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है बच्चे, नाउन होती है, एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब होती है, वर्ब होती है, ठीक बच्चे। प्रीपोजिशन बच्चे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, मार्केट केवल नाउन होता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच केवल नाउन होती है, तो नाउन को जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद क्या आया, प्रीपोजिशन आया। ये यहाँ भी इंटरेस्टिव वर्ब है, यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन होम एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब को जोड़ने के लिए कभी प्रीपोजिशन नहीं आता है। और यहाँ भी होम तो एक एडवर्ब होता है लेकिन यहाँ देख रहे हो डिटरमिनर आया है और डिटरमिनर जब आ जाता है डिटरमिनर बिना नाउन के आता ही नहीं और डिटरमिनर लिखा है जिसका मतलब श्योर है कि ये नाउन ही होगा और नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आता है। बच्चे समझ आया, कोई दिक्कत, थैंक यू।